Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome to biology classes. और मेरा नाम है हर्षित यादव. तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर आया है. इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे की ओर बढ़ते हुए. जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर सेकेंड, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि पीछे आपने हेडिंग देख लिया होगा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई की. तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि किंगडम फंजाई एक्चुअली में जो ये फंजाई वर्ड है वो होता क्या है और हमने रियल लाइफ में इसे कहाँ देखा है. तो चलिए समझते हैं. तो किस किंगडम फंजाई, ठीक है, फंजाई की बात करें तो इसे कॉमनली नाम आप लोग जानते होंगे, दैट इज फंगस. जानते हैं, ठीक है, फंगस. यूजली हम लोग कहते हैं कि ब्रेड में फंगस लग गई है. आपने देखा होगा जब ब्रेड लाते हैं उसे दो तीन दिन नहीं खाते हैं तो उसमें ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, दैट इज फंजाई, या उसी को फंगस बोलते हैं. या संतरे लाएं या कोई भी फ्रूट्स लाएं तो कई बार काफी दिनों तक रखे रहते हैं ना, तो उनमें व्हाइट व्हाइट सा ऊपर लग जाता है, दैट इज कॉल्ड फंगस, ठीक है. और एक और फंजाई की अगर हम बात करें जो कि खाते हैं, ऐसी कौन सी फंजाई है जिसे हम लोग खाते हैं? एक फंजाई है जिसे हम लोग खाते हैं, ब्रेड में अगर फंगस लग जाए तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन वो ऐसी फंजाई है जिसे हम खाते हैं, उसे कहते हैं मशरूम. आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा भी होगा काफी सारे लोगों ने. अब पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मशरूम जो है एक्चुअली में कभी बारिश के मौसम में अगर आपके यहाँ आसपास खाली प्लॉट पड़ा हो या कहीं कोई लकड़ी पड़ी हो बहुत दिन से सड़ गई हो, तो आप देखेंगे वहां पर मशरूम उगाते हैं. मशरूम होता कैसा है स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये, ऐसे ये बल्ब नहीं, बल्ब मत समझ लेना, ये मशरूम है, ठीक है. ये कुछ इस तरह से मशरूम होता है ना, ये देखा होगा आप लोगों ने कहीं बरसात से ज्यादातर दिखाई देता है फिल्मों में, ठीक है. तो दिस इज मशरूम, या आपने बाजार वगैरह में देखा हो तो व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही अच्छा था जो बाजार में मिलता है, वो काफी अच्छा एप होता है. लेकिन ये जो पेड़ों में उगाता है, लकड़ियों में लगा रहता है, ये काफी बेकार होता है, और इसको हमारे यहाँ कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, आई डोंट नो. तो इसको देख करके मेरा कभी मन नहीं होता है कि अरे यार ये सब चीजें क्या है ना, कई बार टॉयलेट कर जाते हैं इसके ऊपर कुत्ते, तो इन सब चीजों को देख करके मुझे मशरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यार पता नहीं ये वही चीज तो नहीं है, वही पेड़ों से काट लाए हूँ, वही पीछे मैदान से उखाड़ लाए हूँ, उसी को बेच रहे हूँ, तो मुझे मशरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो ये एक एक्चुअली में फंजाई है, इसे हम लोग खाते हैं. तो एक फंगस है जो ब्रेड में लग जाए, ठीक है, तो हम लोग ब्रेड खाना छोड़ देते हैं. और एक फंजाई है जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, इसकी सब्जी बनती है कई लोगों के यहाँ, ठीक है. तो यही सारी फंजाई है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं. अब मशरूम कौन से ग्रुप में आता है फंजाई के, है ना, और ये जो ब्रेड में लग जाती है ये कौन से ग्रुप में आता है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. तो ये हल्का सा नॉलेज था जो मैंने सोचा कि आपको दे दूं, ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो इसी को डिटेल स्टडी करते हैं. अब हम लोग समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या क्या कहती है. उससे पहले कुछ एनसीईआरटी के बाहर की चीजें हम पढ़ेंगे कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, फंजाई टर्म किसने दिया था, ये सारी चीजें जो नॉर्मल सी हैं वो हम पढ़ते हैं. हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग किंगडम फंजाई को. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है. तो फंजाई के बारे में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की जो स्टडी है, जैसे हर इंग्लिश वर्ड का अपना एक साइंटिफिक टर्म होता है ना. स्टमक के लिए हम लोग स्टमक नहीं कहते हैं, गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं. तो ऐसे ही फंजाई के लिए क्या टर्म यूज होते हैं, दैट इज माइको, माइको वर्ड फॉर फंजाई, ठीक है. और लोजी या लॉगी जो भी कहते हैं, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, वो होता है स्टडी, ठीक है. तो जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं उसी के आगे लॉगी लगा दो, लोजी लगा दो, जो भी आप कहना चाहें, तो दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी. एक वर्ड होता है मायोलॉजी, यही बता देता हूं, आगे आएगा मायोलॉजी. माइको और मायोलॉजी में कंफ्यूज मत होना. माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई, माइको, और जब मायोलॉजी आ जाए तो ये होता है मसल्स, ठीक है. तो जब मसल्स की स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड मायोलॉजी.
और फंजाई की स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। नेक्स्ट है फंजाई नेम गिवन बाय गैस्पर्ड बाउगेन, इसे क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, दैट इज गैस्पर्ड बाउगेन। गैस्पर्ड बाउगेन ने ये फंजाई टर्म दिया था, ठीक है। अब फंजाई के बारे में कुछ समझते हैं कि फंजाई सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अगर हम मार्फोलॉजी बाहर से देखें या हैबिटेट जहां भी फंजाई पाए जा रहे हैं वहां पर अगर हम देखें तो फंजाई सो अ ग्रेट डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारी जगह पर फैली हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि फंजाई जो होती है वो हर जगह दिखाई देती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह दिखाई देने वाली, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ हो, ठीक है, हर जगह आपको फंजाई दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह। ये चीजें हैं याद रखना। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, नेक्स्ट चीज है कि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, पहले तो ये समझो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो वही चीज़ फंजाई में एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसका मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, इसीलिए फंजाई क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ब्रेड में मॉल्ट दिखाई दे, ठीक है, योर ऑरेंज चाहे आप संतरे वगैरह में देखें, तो वो सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फंजाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी सी, इसको बस समझते हुए चलना है, याद तो सब अपने आप रह जाएगा, बस समझना है। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई और मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। जब मसल्स की स्टडी करेंगे तो मायोलॉजी बोलेंगे, और फंजाई की स्टडी करेंगे तो उसे हम माइकोलॉजी बोलेंगे। ये कुछ टर्म है, अब बात करते हैं आगे। अभी अगली कुछ लाइन्स हैं, तो द कॉमन मशरूम, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो भी क्या है, यू ईट एंड टोड स्टूल, ठीक है, ये भी क्या है, फंजाई है। फिर कुछ यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सिंगल, सिंगल सेल, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल पाई जाए, ऐसे कुछ फंजाई। तो इसका एग्जांपल होता है ईस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, सर ये बियर कौन सा, भालू है ना, है भालू बनाए जाते हैं क्या ईस्ट से। यहां पर लिखा है कि ईस्ट से क्या किया जाता है, टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट जो फंजाई होती है उससे ब्रेड भी बनाए जाते हैं और क्या किया जाता है, बियर भी बनाया जाता है। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा कि सर फिर तो ईस्ट खाएंगे, है फिर तो फंजाई अच्छी है। अब देखो एक जगह क्या हो रहा है कि ब्रेड में लग जाए तो हम ब्रेड को फेंक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि इसी से ब्रेड बनाई जा रही है। अब ब्रेड कैसे बनाई जा रही है और किस लिए ईस्ट का यूज हो रहा है, अभी आगे हम फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेड में जो हल्के हल्के से धब्बे 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 दिखाई देते हैं, छेद 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 छेद, वो किस वजह से होते हैं, इस ईस्ट की वजह से। और बियर बनाने में कैसे यूज होता है, अब ये चीज तो मैं, अब बियर बनाना तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा दूंगा तो आप लोग बनाने लगेंगे। तो बियर बनाने में कैसे यूज होता है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बनवाऊंगा नहीं, ठीक है। ये आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि ईस्ट से बियर कैसे बनती है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा, रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप ये देखें, पता चले कल को आप ईस्ट ढूंढ रहे हो, है ना, कि सर मैं तो बियर बनाएगा, क्योंकि लेने जाता हूँ तो वहाँ पे फिर दिक्कत होती है सर, फिर जान पहचान का मिल जाता है सर, मगर वाले अंकल जी भी वहीं खड़े थे जहाँ मैं बियर लेने जा रहा था, तो मैं लेने नहीं जाऊँगा सर, मैं घर में बनाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंजाई से डिजीजेस भी होती हैं क्या, तो हाँ कुछ बीमारियाँ भी करते हैं, किस में करते हैं, क्या हम में करते हैं, तो हाँ जी हमें भी करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वो पढ़ते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या करते हैं ये हम देखेंगे, वीट रस्ट कॉजिंग पक्षीनिया, वीट रस्ट,
गेहूं की बाली। अब खेत में आप कभी गए नहीं हैं तो आपको क्या पता है वीट रस्ट क्या होता है। हालांकि मैं इमेज दिखा दूंगा, ठीक है, वीट रस्ट की जो इमेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे फोटो में। तो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, ये किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। अब पक्सिनिया क्या होता है ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल है, आ जाता है नीट में कई बार क्वेश्चन बन के कि पक्सिनिया क्या होता है या वीट रस्ट में जो होता है वो कौन सी डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड पक्सिनिया। ठीक है, तो ये हो गया कुछ, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, खाने का सोर्स क्या है, उस हिसाब से फंजाई जो है वो आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, कौन सी फंजाई का, खाने का सोर्स क्या है। जैसे आप लोगों का सोर्स है, किसी का डोमिनोज होगा, किसी का बर्गर होगा, किसी का मोमोज होगा, है ना, किसी का घर का खाना होगा, तो हर किसी का अलग अलग सोर्स होता है ना। कि हमारा तो सोर्स बाहर का है, दिन भर बाहर का ही खाएंगे। कुछ लोगों का सोर्स होता है नहीं, घर का खाना मिल जाए वो बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग हैं बाहर रहते हैं, हमारे लिए क्या है सोर्स, घर का खाना, कि बाहर तो हम रह ही रहे हैं 10 साल से, है ना, बाहर का तो खा ही रहे हैं, तो हमारे लिए सोर्स क्या है कि हमें घर का खाना मिले, अच्छा खाना मिले। ठीक है, तो ऐसे ही फंजाई का भी अपना अपना सोर्स है, तो इनका सोर्स क्या है। ठीक है, उस हिसाब से ये दो तरह के हैं। सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, दीज फंजाई ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। कहाँ से भोजन ले रहे हैं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि ब्रेड खराब हो गई, सड़ गई, वहां पर फंगस लग गई और फंगस क्या कर रही है, उसे धीरे धीरे खा रही है। ठीक है, तो दैट इज सेप्रोफाइटिक फंजाई। रोटेटिंग फ्रूट, वही जो मैंने बताया संतरे में लग गई, है ना, वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों को खराब किया वहां पर लग गई, या डंग, गोबर में, गोबर में भी फंजाई पाई जाती है। कौन सी फंजाई है आगे बात करेंगे। ठीक है, तो गोबर में लग गई, वहां से गोबर से अपना खाना ले रही है, तो ये कैसे फंजाई होते हैं, दीज आर सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट है पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक फंजाई क्या होती है, दीज ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक, लिविंग जिंदा चीजों से। सेप्रोफाइटिक क्या कर रहे थे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरी हुई चीजों से खाना ले रहे थे। पैरासिटिक फंजाई कौन सी होती है, जो लिविंग से, जिंदा चीजों से अपना खाना ले, जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स जिंदा होते हैं मरे हुए, जैसी बोस उन्होंने बताया था कि प्लांट्स में भी क्या होते हैं, जान होती है, तो वो जिंदा होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में भी फंगस लग जाती है, नहीं लगती, एग्जाम्पल बताओ, आपने सुना होगा कि दांत खाद खुजली के बारे में सुना है क्या, है ना, वो मोहल्ले में आता है माइक में लेके, ये चूरन ले लो वो ले लो, दांत खाद खुजली, दुनिया भर का ये सब है ना, माइक में एकदम चिल्लाते रहते हैं रिक्शे में बैठ करके, ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो वही होता है फंगस, है ना, दांत खाद खुजली हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि फंगस लग जाना, है ना, जैसे आपकी बॉडी में कहीं हो जाता है तो हल्का हल्का से धब्बे 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 नजर आ जाते हैं, स्किन से अलग दिखाई देने लगता है, है ना, मम्मी लोगों से इलाज पूछो तो कहती सुबह उठ के थूक लगा लिया कर, ये गांव में ऐसा होता है ना, फिर हम लोग कुछ लाते हैं ऐसा लगाते हैं टीवी वगैरह, है ना, कुछ लोग कह रहे सर दिन काट ले जाते हैं, ठीक है वो अलग चीज़ है, तो वही चीज़ है, ये फंगस है, हमारी बॉडी में भी ग्रो होती है, वहाँ से भी भोजन लेती है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक। और वैसे अगर बात करो पैरासाइट्स की, पैरासाइट का एक नेचर यू होता है कि वो कभी भी मरी हुई चीज़ों पर नहीं लगते। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स हमेशा जिंदा चीज़ों पर लगते हैं और भोजन लेते रहते हैं। ठीक है, तो वहीं से वर्ड आया पैरासिटिक। तो पैरासिटिक फंजाई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाए। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जो कि डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्रेड, रोटेटिंग वेजिटेबल्स, डंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फंजाई के बारे में। अब कुछ टर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो उनमें से कुछ टर्म हैं, जैसे सम फंजाई आर फाउंड सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एल्गी एंड फॉर्म लाइकेंस।
कुछ फंजाई जो है एल्गी के साथ मिलकर के बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड लाइकेन। अब सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक का सीधा सा मतलब होता है जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि वो दो दोस्त होते ना कि देख कॉलेज तो मैं ले चलूंगा लेकिन बाइक में पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो मतलब कि अगर पेट्रोल नहीं आ रहा तो बाइक नहीं चलेगी, या पेट्रोल तो डला दिया लेकिन चलाने वाला नहीं है तो बाइक नहीं चलेगी। मतलब जो पेट्रोल भरा रहा उसे चलानी नहीं आ रही, और जो चला रहा है उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, है ना, एक दूसरे का साथ। तो वही होता है कि फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ऐसे ही एक और होता है कि फंजाई अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रूट्स पे हैं, अगर वहां पर फंगस लगा है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर 12th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज माइकोराइजा लाइकेन, व्हाट इज लाइकेन, व्हाट इज माइकोराइजा, व्हाट इज लाइकेन, व्हाट इज माइकोराइजा। तो लाइकेन क्या होता है? अगर फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक है, सिम्बायोसिस है, तो लाइकेन बोलना। अगर फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है तो उसे माइकोराइजा बोलना। याद करने का तरीका क्या है? माइकोराइजा, राइजा में आर आ रहा है, दो आर आ रहे हैं ना, तो जब भी माइकोराइजा पूछे तो फंजाई को आर मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, आर एच है ना, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होगा तो माइकोराइजा, और बाकी अगर एल्गी के साथ है तो लाइकेन। ये याद करने का तरीका है, मैंने भी कल तुम्हें याद किया था, मैं भूल जाता था कि किसका किसका सिम्बायोसिस है ना, एल्गी और फंजाई का है कि एल्गी का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है किसका, तो मैं ये भूल जाता था। तो फंजाई का एल्गी के साथ लाइकेन, और माइकोराइजा में जो आर एच आ रहा है ना रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ है तो वो हो जाएगा माइकोराइजा, ठीक है। सिम्बायोटिकली यहाँ भी सिम्बायोसिस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फंजाई क्या करते हैं? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जड़ों में लग जाता है और क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना जमीन के वो पेड़ को देता है, हिले भाई, और पेड़ से क्या कहता है, सुन तेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, खाना बनाता होगा मुझे खाना देना। मतलब कि मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ तू क्या करेगा, मुझे कॉलेज तक ले जाएगा। मतलब कि मैं तुझे न्यूट्रिएंट दे रहा हूँ तू मुझे खाना बना बना के भेज, ठीक है। तो ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये हो गया माइकोराइजा और ये हो गया लाइकिंग। फिर द बॉडी ऑफ फंजाई, अब यहाँ से कुछ आगे एंटर करते हैं फंजाई में और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, कुछ नए टर्म सीखते हैं। तो द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट कॉल्ड हाइफा। मतलब कि मैं एक हूँ, मेरे आगे दो तीन चार पाँच छः कई सारे लड़के खड़े कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या बोलेंगे कि देखो कितने सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। मैं अकेला खड़ा हूँ तो मैं एक लड़का हूँ कि मेरा नाम है देखो हर्षित खड़ा है, लेकिन मेरे जैसे या मेरे साथ के बहुत सारे लोग खड़े करते हैं तो कह देंगे स्टूडेंट खड़े हैं। तो वही चीज़ है कि अगर एक सिंगल है तो उसे बोलेंगे हाइफा, सिंगल, सिंगल मतलब वो वाला सिंगल नहीं जो तुम्हें, सिंगल मतलब अकेला। सर मैं कहाँ सिंगल हूँ, सर मेरे पास हैं दो तीन है सर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चलो तो ठीक है। अगर सिंगल है तो हाइफा, सिंगल मतलब अकेला, वो वाला सिंगल नहीं कि गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी, ठीक है। और अगर यही हाइफा कई सारे हो जाएंगे तो माइसीलियम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगला जो लेक्चर होगा ना हम माइसीलियम और हाइफा ही होगा, पूरा वही चलेगा बहुत देर तक, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पे पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस सिंगल कोई चीज़ है तो उसे हमने बोल दिया क्या, हाइफा। मान लो सपोज ये सिंगल है, ये एक पंजाई, ये क्या है हाइफा, ऐसी कई सारी हो जाएंगी, तो दिस इज माइसीलियम। ये सिंगल हाइफा, हाइफा हाइफी जो भी बोलना चाहो, अंग्रेजी अपनी है ना। और अगर ये पूरे सबको बात करें तो ये हो गया माइसीलियम। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है जूम कर लेना यार, दिखाई दे रहा है, रुको देखो जरा,
हाँ दिखाई दे रहा, जो चश्मा लगाते हैं उनको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी को दिखाई दे रहा होगा। नहीं सर, चश्मा वालों को ज़्यादा दिखता है सर, लेंस लगा होता है। अच्छा ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंगाई की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, दैट इज फंगल सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड। याद रखना कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, ठीक है, ये टर्म याद रखना। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं हाइफा, माइसीडियम, ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा वो इसी चीज़ पे आएगा, इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा देख लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पॉइंट, और इसमें जैसे कि हमने हाइफा बात करी, माइसीडियम बात करी, अब एक नया टर्म है सीनोसिटी, ठीक है, इससे समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं, है ना, किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं किताबी लैंग्वेज। सिंपल टर्म में तो हमने समझ लिया कि सिंगल है तो हाइफा है, बहुत सारे हैं तो माइसीडियम है, है ना। तो हाइफा क्या होता है, किताबी लैंग्वेज देख लेते हैं। फंजाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइफी या हाइफा, जो भी आपको बोलना है वो बोलो इंग्लिश में। इंग्लिश किसका है, अपने बाप का है, ठीक है, तो जो मर्जी वो बोलो। फंजाई बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइन, फंजाई की बॉडी आप कैसे देखेंगे, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइन। अब ये तो देखो दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ये इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है तब दिखाई देता है, ये ऐसा कैसा है, लॉन्ग है, सिलेंडर है और थ्रेड लाइक बिल्कुल धागे जैसा होता है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया, ठीक है, जब आप देखेंगे ना ट्यूब में वो जो दिखाया जाता है ना माइक्रोस्कोप में, ये दिखाया जाता है, चलो बेटा कौन से कॉलेज में दिखाया जाएगा, 12th में दिखाया जाएगा, 11th में कहना अपने सर से कि सर हमें ये दिखाओ, तो ये दिखाएंगे फंजाई की जो बॉडी होती है। नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, YouTube जिंदाबाद यार, सर्च करो वहाँ देखो, है। फिर नेक्स्ट माइसीलियम की बात करते हैं। माइसीलियम इसी हाइफा को क्या कर दो, कई सारे आगे लगाते चले जाओ, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। तो द नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ऐसे ही एक हाइफा है, इसी को और दूसरा बना दो, इसी के आगे तीसरा बना दो, मेरा तो बोर्ड भर गया, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते जब चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइसीलियम हो जाएगा। ये क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ हाइफा, एक था, एक था तो हमने कहा ये हाइफा है, ठीक है, एक है तो हमने कहा हाइफा है, ऐसी के कई सारे नेटवर्क बना दिए। नेटवर्क का मतलब किसी के जान पहचान के और लोग आ गए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। अब नेक्स्ट है सीनोसिटिक हाइफा। सीनोसिटिक पहले टर्म देखते हैं क्या लिखा है, फिर समझते हैं। सम हाइफी या हाइफा आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मतलब कई सारे, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक। मतलब कि सम हाइफा आर कॉन्टिन्यूस, सबसे पहले हाइफा बनाओ, ये एक सिंगल हमने सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक हाइफा बनाया, फिर उसमें बोला कॉन्टिन्यूस क्यूब, इसी को कॉन्टिन्यूस बनाते चले जाओ, ठीक है, इसी को कॉन्टिन्यूस बनाते चले जाओ। अब ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे बना रहा हूं तो ये सीधे सीधे हो, ये इधर भी हो सकते हैं, ये इधर भी हो सकते हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहां पर क्या है, ये न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, किसमें, हाइफा में, किसमें, नेटवर्क ऑफ हाइफा में, नेटवर्क ऑफ हाइफा में, नेटवर्क ऑफ हाइफा में,
ये क्या हो गया, दिस इज सीनोसिटिक, दिस इज सीनोसिटिक हाइफा, दिस इज सीनोसिटिक हाइफा, समझ गए, दिस इज सीनोसिटिक हाइफा, समझ में आया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, और आगे लेक्चर आता रहेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, थैंक यू।